नमस्कार, कहता है वोटर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ला और आज न्यूज 18 छत्तीसगढ़ का कारवा पहुंचा है कांकेर लोकसभा सीट पर। कांकेर वो लोकसभा सीट है जहां तगड़ी फाइट मानी जा रही है। तगड़ी फाइट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार अगर लोकसभा में बात करें तो सबसे कम मार्जिन जीत का जो बीजेपी का था इसी सीट पर था। और विधानसभा का अगर हम जिक्र करें तो 8 विधानसभा कांकेर लोकसभा में आती है, जिसमें 5 पर कांग्रेस काबिज है, 3 पर भाजपा है। और सबसे कम मार्जिन से जो जीत थी मात्र 16 वोट से कांकेर, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, इसी विधानसभा से मिली थी। तो कुल मिलाकर कांकेर के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या यहां के मुद्दे हैं और क्यों प्रदेश में सबसे टफ फाइट कांकेर में ही नजर आती है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पहले हमारे सहयोगी खेम भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या वजह है कि सबसे तगड़ी फाइट चाहे लोकसभा हो या विधानसभा भाजपा कांग्रेस के बीच यही देखती है, मार्जिन इतना कम क्यों दिखता है? जी देखिए, लगातार जो है भाजपा जो है कांकेर लोकसभा सीट में जीतते आ रही है और कहीं ना कहीं एक बदलाव का भी जो है वोटर्स चाहते हैं बदलाव, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस दो लोकसभा में कम वोटों से के अंतर से हारती हुई नज़र आ रही है। और इस बार फिर से जो है जो कम अंतर के वोट से हारे हुए प्रत्याशी को उन्होंने अपना मैदान में उतारा है। जी कांग्रेस की तरफ से बता दें, बीरेश ठाकुर जो पिछली बार 2019 में भी प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से, वो मैदान में है। तो भाजपा ने अपने सिटिंग जो सांसद हैं मोहन मंडावी, उनको बदलकर यहाँ पर भोजराज नाग को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। इतनी टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इतने कम मार्जिन कांकेर लोकसभा या विधानसभा क्यों देखने को मिलती है? क्या पब्लिक दोनों साइड जाती है? ये टफ आपका मानना है, यहाँ टफ है ही नहीं। ये पर आंकड़े तो बता रहे 16 वोट से आप भाजपा जीती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार यहाँ पर पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। वो महज इत्तेफाक ये हो गया था कि पिछले जो चुनाव में बीरेश ठाकुर 5-6 हज़ार वोट से पीछे रहे, लेकिन ये सीट जो है लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है। और इस बार विधानसभा में लेकिन खेल थोड़ा बिगड़ गया। विधानसभा में तो हम लोगों ने कब्जा किया है, क्योंकि पिछली बार 2 विधानसभा में यहाँ पर कांग्रेस के लोगों का कब्जा था, कांग्रेस की सीट थी ये। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी यहाँ पर यही शंकर धुरुआ विधायक थे, उसके बाद शिशुपाल सोरी विधायक थे, हमने वो सीट कांग्रेस से छीनी। क्या वजह है कि कांग्रेस यहाँ पर बहुत फाइट करते नजर आती है, नज़दीक तक तो पहुँच जाते हैं उसके बावजूद जीत नहीं पाते? इस बार जस्ट उल्टा रहेगा परिणाम, क्योंकि इस बार हमें कांकेर विधानसभा में पुनः बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी के रूप में मिला है, जो महज 5,000 वोट से हारे हैं। और इस बार हमारे लिए समय अनुकूल है, क्योंकि इनके प्रत्याशी नींबू काटने पर भरोसा करते हैं, जो झाड़ फूक करके विकास करने की बात करते हैं, ऐसे प्रत्याशी को जनता सीधे तरीके से नकारना चाह रही है। और इस बार बीरेश ठाकुर प्रचंड मतों से विजयी होंगे। नींबू काटना, झाड़ फूक, ये क्यों बात आ रही है बार बार? क्या प्रत्याशी अपनी अपनी समझ है, कुछ बातें हम व्यंगात्मक कहते हैं, कुछ उदाहरण के तौर पर बातें कर रहे होते हैं। वे इस क्षेत्र के बारे में लगातार वो बता रहे हैं, एक आस्था का एक विषय है, जो यहाँ के संस्कृति परंपरा का जो विषय है उससे जोड़ के कई बातें वे मंच पर कहते हैं। लेकिन निश्चित ही पहले भी वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्हें विकास काम कैसे किया जाता है अच्छे से पता है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का एक मार्गदर्शन उन्हें लगातार प्राप्त है। उस आधार पर जो विकास काम पूर्व में भी हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से, उसमें जनता ने देखा है और जनता को उस पर विश्वास है। अभी तो कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर संघर्ष कर रही है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इसका संघर्ष उनके मध्य है। इस कंफ्यूजन में जनता नहीं पड़ना चाहती, वो स्पष्टता को जनता आपके कैंडिडेट भोजराज नाग को चेहरा देखकर वोट डालने जा रही है, उसके दिमाग में क्या है? आप उसको सामने ज्यादा दिखा रहे हैं या पीएम मोदी का चेहरा? देखिए, सर्वमान्य नेता हमारे मोदी जी तो निश्चित ही एक हमारे बड़े चेहरे हैं, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर भी भोजराज नाग जाना पहचाना नाम है, सब उनके बारे में जानते हैं, पहले पूर्व में भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और उन पर भी विश्वास जनता को है। भाजपा मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, कांग्रेस किसके चेहरे पर जाएगी? राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उनके चेहरे उनके नेतृत्व से हम लड़ रहे हैं। और कांकेर ने बहुत अच्छा प्रत्याशी चुना है माननीय बीरेश ठाकुर जी, वो दोनों खुद ही अपनी भूपेश बघेल तो अपनी लोकसभा में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं से विरोध हो रहा है। जी, उनका भी नेतृत्व हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रचार में आए, भूपेश बघेल भी नहीं आए हुए हैं,
उनसे पहले बैठक ले चुके हैं यहाँ, और हम यहाँ यहाँ के अभी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी के, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और कांकेर लोकसभा हम जीत रहे हैं। बस्तर लोकसभा में हमारे माननीय राहुल गांधी जी का बड़ा दौरा होने वाला है, सभा होने वाला है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लोग राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं बोलते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा जो लोग राम को ला सकते हैं तो वो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, विजय माल्या को भी ला सकते हैं, नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, अब तक वो उनको क्यों नहीं लाए? राम और नीरव मोदी को बराबर मानते हैं हम, राम और नीरव मोदी को बराबर नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जब ये धर्म की राजनीति करते हैं तो इनको लाना चाहिए। सवाल करता हूँ, इनका कहना है कि राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं। आस्था एक अलग विषय है और यहाँ पे हुए जो भ्रष्टाचार है वो अलग विषय है, और इस ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लगातार मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने छेड़कर रखी है उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भी इनके बड़े नेता जो है जो सारे जेल की हवा काट रहे हैं, और जो दावे मात्र ये ईडी को हमारा तंत्र बताकर लगातार केवल और केवल बचने का प्रयास इनके माध्यम से जो हो रहा है वो अपने बेल के लिए भी लगातार तरस रहे हैं और प्रूफ नहीं ला पा रहे हैं अपने फेवर में किसी भी प्रकार। यहाँ जब भाजपा की सरकार थी तो धर्मांतरण वाला मामला आया ही नहीं था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब से धर्मांतरण का बढ़ते गया, खासकर बस्तर और सरगुजा में बहुत ज़्यादा दर में धर्मांतरण बढ़ते गया। कांग्रेस कह रही भूपेश बघेल और राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ रहे हैं यहाँ पर। राहुल गांधी की बात करें तो उनका कोई प्रभाव नहीं, और देश भी देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि इनका क्या हश्र हो रहा है। एक परिवार की पार्टी बन के रह गई, ये पूरे देश में पहले चुनाव लड़ा लें, अपने प्रत्याशी घोषित कर दें, कुछ जगह चुनाव लड़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश दुनिया में छाया हुआ है, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आज देश दुनिया में अपना नाम किए हैं, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर आगे बढ़ेगी। चलिए, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर है। कांग्रेस की बात करें, आप लोग किन मुद्दों के साथ आगे जाने की वहाँ पर सोच रहे? हम लोग, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी है, और अभी जो महंगाई जो इतनी बढ़ी है, आज इन लोग जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 400 पार नहीं 180 में ही लोग सिमट जाएंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो आज घोषणा पत्र जारी किए हैं वो गरीब तत्व से लेके हर वर्गों के लिए उसमें दिया गया है। पीएम मोदी ने कल कहा कि मुस्लिम लीग की छाप दिखती है कांग्रेस के घोषणा पत्र। नहीं देखो, ये लोग क्या है, हमेशा धर्म के और जाति के नाम से लड़ाते आए हैं, और लगातार विरोध हुआ है इसका, और ये लोग धर्म के नाम से लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी और राहुल का चेहरा ही चल रहा है या कुछ स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं? हर 5 सेकंड में एक विज्ञापन आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, आज ये सारे मुद्दे हट करके लूट की सरकार हो चुकी है। विधानसभा में हार का कारण क्या मानते कांग्रेस? हमने जितने अच्छे कार्य किए थे वो हो सकते हैं हमने अच्छे तरीके से उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया होगा। सबसे बड़ी बात तो बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके पास लोग कई तरह के भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार करके बीजेपी के पास आप चले जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओ आप। कांग्रेस का कहना है उसमें कोई कमी नहीं है, आप लोग या तो डरा धमका लेते हैं या वॉशिंग मशीन आप लोग पास जाके लोग सुधर जाते हैं, भले ही उनके लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ पर, वो भी भाजपा से आए बता। ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार तो भूपेश बघेल की सरकार में हुई, कोल घोटाले से लेके रेत घोटाला, माफिया, सारा चीज बढ़ गया छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको 5 साल में नकार दिया और पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में। नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी भूपेश बघेल जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बीजेपी वालों के पास बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बीजेपी वाले के सारे लोग दूध के धुले हो गए हैं क्या? उनके पास ईडी, सीबीआई, ऐसा क्यों एजेंसी जा नहीं रही है उनके पास? आप लोगों के पास क्यों नहीं जाती कोई एजेंसी? देखिए, अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार का विषय संज्ञान में है, 5 वर्ष सरकार थी कांग्रेस की, कार्रवाई करना चाहिए था, शिकायत करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप बैठे रहे शांति से। अगर आपको ये जानकारी होने के बाद 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री, तो उस समय के तात्कालिक कई ऐसी घटनाएं थी, भ्रष्टाचार के विषय तो छोड़ दो, जो एक सबसे बड़ा विषय जो कांग्रेस के लिए हृदय विदारक घटना थी, जिसमें उनके बड़े बड़े नेता मर गए, उसमें वे कहते थे कि सबूत मैं जेब में लेके घूमता हूं, लेकिन 5 वर्ष में उन्होंने दिखाया नहीं, तो इस प्रकार से तो चली। और जहां तक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि कांग्रेस में कमी नहीं है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर हो, चाहे कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट हो, उसकी योजना बैठकें सारे भूतपूर्व में ही कर लेती है। कार्यकर्ता जिसे चुनाव लड़ाना है उसका चिन्हांकन पूर्व में हो गया, उसके सारे जो इसमें आने वाले जो विधानसभा है, 8 विधानसभा, उसमें उनका प्रवास हो गया,
निराश हताश कांग्रेस के प्रत्याशी का जो अभी घोषणा हुआ है वो इतने अंत में हुआ है, वो स्वयं भी हताश हैं कि मैं कैसे सारी जगहों पे पहुंच पाऊंगा। तो ये है पूर्व योजना पूर्ण योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती, इसलिए परिणाम सकारात्मक है। कांकेर में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमारे पास महंगाई का मुद्दा है, जो इनकी जो महंगाई की बात थी वो आज तक कम्प्लीट जो नहीं कर पाए लोग, रोजगार की बात थी ये कर नहीं पाए। मोदी खुद अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं, वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं लेकिन आज वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने में असक्षम है। वो खुद कहते हैं कि भजिया तलो पकोड़ा तलो, उनके पास खुद नहीं है कुछ काम, क्या कर सकते हैं, कैसे रोजगार दें, कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो एशिया का नंबर वन मिलिटेंस प्रोग्राम कंपनी जो है, कारखाना है, वो कांकेर में खोला गया था, कोदो कुटकी वनोपज, जो बस्तर क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी जो है उनके पास अहम साधन है वनोपज, उसकी खरीदी का जो काम था वो भूपेश बघेल ने किया। सवाल और करूंगा, आप लोगों ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ ईडी वगैरह कांग्रेस के पास जाती है, वहाँ बीजेपी का कहना है कि 5 साल आप लोग की सरकार थी, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? केंद्र में किसकी एजेंसी है? राज्य में तो आपकी सरकार। राज्य में कई बार हमारे भूपेश बघेल जी शिकायत किए, नान घोटाला पे SIT गठन हुआ, इन लोग हस्तक्षेप ये लोग किए। SIT तो राज्य सरकार के अंडर आता, उसके बाद ये लोग हस्तक्षेप ये लोग किए ना, केंद्र सरकार के माध्यम से नाना प्रकार के आप लोग केंद्र सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को प्रताड़ित करने का काम किया गया। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी लोग, तो हमारे सांसद जी मोहन मंडावी 51,000 रमान बांटने वाले में से सांसद थे, उनके टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? और आज ऐसे प्रत्याशी को आप जो नींबू काटने की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के टिकट काट, दीपक जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव जिताने की जवाबदारी उनके ऊपर है। विधानसभा में भी तो प्रदेश अध्यक्ष थे। नहीं, विधानसभा में ऐसी रणनीति बनी कि हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से माहौल था वो तो किसी कारणवश हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जी के नेतृत्व। कारण समझ में आया विधानसभा में क्यों सरकार चली गई? देखिए, कई स्थानीय मुद्दे रहते हैं और कई सरकार की योजनाएं रहते हैं जो हम लोग अच्छे से अपने जनता के बीच नहीं रख पाए, इस कारण से हमारी सरकार चली गई। कैंडिडेट बदलना पड़ा? कैंडिडेट बदलना नहीं पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हम अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, उन्होंने जो कह दिया हम उस पर चलते हैं। और अभी जैसे कह रहे थे कि भोजराज के खिलाफ आदिवासी लामबंद है, हम तो ये बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि एक केस दिखा दीजिए आप कि वहाँ पर केस है तो केस खारिज हो गया है, खारिज हो गया, सब प्रमाण सब चीज है, हम बोलते हैं प्रमाण दिखाए। कांकेर की पब्लिक ये सारी इश्यूज को सोच रही है, जानती है, समझ रही है, इसी पर वोटिंग होगी। बिल्कुल सर, आज गांव का व्यक्ति लाइट की समस्या से लेके इतना परेशान है कि यहाँ पे जो पार्टी जो शासन में है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, जनता में बहुत आक्रोश है सर, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। महंगाई की बात तो कोई करता नहीं, देखिए बॉन्ड तो जो इन्होंने लिया उसके बाद 1 अप्रैल से दवाइयों के दाम बढ़ गए। मैं इनसे भी सवाल लेता हूँ, बोलिए। हमारी देश की राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव के समय तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, कोई बोलता है 15 लाख देंगे, कोई बोलता है 1 लाख देंगे, हमारी देश की भोली भाली जनता इनके चक्कर में आकर वोट दे देते हैं, है ना। देश के भलाई के बारे में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सोचता। हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। हर परिवार से एक एक बच्चे को अगर नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी, तो उनकी हालत सुधर जाएगी। ना कि उनको मुफ्त की राशन पानी चाहिए, ना मुफ्त की बिजली पानी चाहिए, कमा हम मेहनती लोग हैं, कमा के खा सकते हैं। राष्ट्र हित के मुद्दे पर देखा जाए तो मोदी के मुकाबले कांग्रेस के पास दूर दूर तक, बहुत दूर तक कोई नेता नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जगदलपुर और कांकेर दोनों सीट अपने हाथ से गंवा रही है। स्थानीय मुद्दे क्या यहाँ पर है, यूथ क्या सोचता है? यूथ के बारे में जैसे कि आप स्थानीय मुद्दों में जाएंगे तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य जो पिछली गवर्नमेंट थी वो अधूरे, इनकी सरकार जो यहाँ से गई है, जैसे रोड, जिस रोड पे ये बोलते हैं कि चमचमाती हुई रोड है करके, वो रोड के धूल में इनकी सरकार उड़ी है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी पूरे निर्माण अधूरे थे। मिनी स्टेडियम का निर्माण जो है पहले, यानी जब से गवर्नमेंट बनी तब से चालू हुआ है, जो आज तक अभी भी अधूरा है, अभी भी नहीं बन पाया है। कांग्रेस की सरकार में जो PSC घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ PSC में, वो युवाओं को छला गया, उनको धोखा दिया गया, कमीशन खोर किया गया, और जो पात्र थे उनको अपात्र करके अपने पूंजीपति और अपने कांग्रेस की नेताओं के बच्चों को PSC में लगाया गया। भाजपा क्या है, मजबूर पार्टी हो गई क्या? सारे करप्ट और भ्रष्ट जिनके बड़े आरोप हैं वो क्यों ले रही है, अपने वॉशिंग मशीन में क्यों धो धो के साफ कर रही है? जानना चाहता हूँ आप लोग कांग्रेस से, आखिरकार पार्टी छोड़ के बड़ी संख्या में देश भर के लोग जा रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे आपको समझ में आ रही है, क्यों हो रहा? भाई चोर चोर मौसेरे भाई, जो गलत है उसको डर लगता है कि मेरे घर ED आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ये कांग्रेस पार्टी है, अपने ही नेता को चोर कह रहे हैं, इससे ये साबित होता है
कि आज कांग्रेस पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का कहना है, बार बार उनके द्वारा एक ही सवाल किया जा रहा है कि रोजगार रोजगार रोजगार। भूपेश बघेल ने कितना अच्छा रोजगार दिया गोबर बीनने का, वो भी तो नहीं बीन पाए। बीजेपी वालों को वोट चाहिए तो राम जी के नाम से अब रामनवमी में तैयार हो गए हैं लोग। रामनवमी पे अब राम के नाम पे खाली वोट मांग रहे हैं। बीजेपी को वोट चाहिए और कांग्रेस को चोट चाहिए। भारत में चार पांच शब्दों पे बैन लगा दिया जाए ना, राम हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म, इन लोग पे बैन लगा दिया जाए बीजेपी वाले मत बोले करके, तो इन लोग के पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं रहेगा। आरोप है कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा जाएंगे, क्योंकि जो जिस राम की बात हो रही है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश था, भाजपा का आदेश नहीं था। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया। जग जाहिर है, बात यह है कि राहुल गांधी क्यों नहीं गई है? बीजेपी बोलती है कि हमारे हिसाब से आप लोग मंदिर का, पहले तो अब ईडी सीबीआई तो चलो उनके हिसाब से चली रही, अब ये चाहते हैं कि देश की पब्लिक जो है वो इनके हिसाब से अब मंदिर जाए, इनके हिसाब से पूजा करे, इनके हिसाब से धार्मिक अपने जो जिसके जिसके धर्म के वो मानने वाला है, राम को हम भी मानते हैं। उनका कहना है कि आपके हिसाब से क्यों जाए, ये बोल रहे थे ना अभी कि कोई गरीब कोई नहीं गया था। नरहरपुर से सावित्री दुर्गा जो गई थी ना पोस्ट मैडम करती थी, वो मैडम वो गई थी वहाँ पर, उनको इन्विटेशन दिया गया था बकायदा। सामान्य कार्यकर्ता भोजनाथ नाथ जी गए थे, नाथ भी गए थे, सामान्य कार्यकर्ता है वो, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है। भोजनाथ नाथ जी भी मंदिर गए थे। नहीं बचा है, नहीं बचा है, आपकी के ऊपर है, उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। अभी आडवाणी नहीं गया, ये बोलते हैं हम राम को लाए हैं, भारत रत्न मिला, जो देश का इतना पैसा चोरी करके फरार हो गए नीरव मोदी मेहुल चौकसी, उनको क्या मोदी का पापा लेके आ गया? इस बात का लगता है कि सब बहुत बुद्धिजीवी, हम तो इनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, जो सब बड़े बड़े राम को लाए हैं, ये शब्द का कम से कम जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा देते, राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, राम को हमने टेंट से मंदिर में लाया है, ना कि हमको राम लाए थे, राम को इन्होंने जब से हुआ टेंट में ही रखा था। आखिर लोकसभा में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, राष्ट्रीय से लेकर राम मंदिर से लेकर और स्थानीय पिछली सरकार के मुद्दे भी यहाँ पर बहुत जोर शोर से लोग उठा रहे हैं, बहुत जागरूक है लोग और तगड़ी फाइट भी यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि भाजपा का दावा है कि परंपरागत सीट है, लेकिन काफी टफ फाइट पिछली लोकसभा में देखने को मिली थी। इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होती है ये तो आपने देखा, किस तरीके का परिणाम होगा आने वाला वक्त यहाँ पर बताएगा। तो खास पेशकश में इतना है।